हेलो, वेलकम टू द चैनल आईक्यू द होप। माय नेम इज मंसूर अहमद। जैसा कि आपको पता है, आज है 10th फरवरी 2023। तो आज के घंटा फिर हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, हु हैज स्टॉप्ड द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अंडर द फेम स्कीम रिसेंटली। तो याद रखें, इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो है टॉप पोजिशन जो है सिक्योर की है टू सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि आपको पता है कि अब जो है जितनी भी व्हीकल्स है, मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो बूस्टअप किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करेंगे तो महाराष्ट्र स्टेट ने जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो सेल किया है अंडर द स्कीम फेम स्कीम। तो फेम स्कीम के तहत जो महाराष्ट्र ने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो बेचा है। सेकेंड, रिसेंटली जे जे महाराष्ट्र मांझा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल सॉन्ग। यू हैव टू आंसर, इट इज संग इन द टाइम पीरियड ऑफ हाउ मच टाइम। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी है, तो 1.41 मिनट्स के अंदर जो है इस सॉन्ग को जो है वो गाया जाता है। जे जे महाराष्ट्र मांझा जो है, जो कि नेशनल सॉन्ग जो है डिक्लेयर किया है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब अगर हम इस सॉन्ग की बात करेंगे तो 1.41 मिनट्स के अंदर जो है इस सॉन्ग को जो है वो गाया जाता है। अब आप कमेंट के अंदर लिखें जो हमारा नेशनल सॉन्ग है इंडिया का, तो वो आप कमेंट के अंदर लिखें कि नेशनल सॉन्ग जो है वो कंट्री का वो क्या है, उसका नाम क्या है, वो आप कमेंट के अंदर लिखें। नेक्स्ट, विच स्टेट्स चिल्ड्रन राइट बॉडी हैज बीन रिसेंटली लॉन्च व्हाट्सएप चैट व्हाट्सएप बाल मित्रा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, दिल्ली। तो दिल्ली स्टेट के द्वारा जो है चिल्ड्रन राइट बॉडी, जो कि एक चिल्ड्रन राइट बॉडी है, इसके द्वारा जो है रिसेंटली व्हाट्सएप चैट व्हाट्सएप बाल मित्रा जो है वो लॉन्च किया गया। तो याद रखें, ये जो व्हाट्सएप चैट व्हाट्सएप बाल मित्रा है, ये चिल्ड्रन राइट बॉडी के द्वारा जो है वो बनाया गया है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली लॉन्च द विजिट इंडिया एयर 2023 इनिशिएटिव। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए है, जी किशन रेड्डी। तो जी किशन रेड्डी के द्वारा जो है रिसेंटली एक मिशन लॉन्च किया गया है, विजिट इंडिया एयर 2023। अगर हम इस मिशन की बात करेंगे तो इस मिशन को लॉन्च करने का मेन मोटिव यही है कि जितने भी टूरिस्ट हैं तो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है टूरिस्ट को जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो लाया जाए, ताकि इंडिया को जो है वो दूसरी कंट्रीज जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लोर कर सके, और इंडिया के अंदर जो है बेसिकली टूरिज्म को जो है वो बूस्टअप किया जाए। याद रखें, जी किशन रेड्डी के द्वारा जो है इस मिशन को जो है वो लॉन्च किया गया है, विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव। अब आप कमेंट के अंदर लिखें जी किशन रेड्डी जो है ये कौन से मिनिस्टर है, किस चीज़ के मिनिस्टर है, वो आप कमेंट के अंदर लिखें। आगे बढ़ते हैं, वेयर विल द प्लस कॉन्क्लेव 2023 बी ऑर्गेनाइज रिसेंटली। तो याद रखें, मुंबई के अंदर जो है ये मिशन द प्लस कॉन्क्लेव 2023 जो है रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, विद्यासागर रेड्डी हैज पास्ट अवे। आपको पता है कि विद्यासागर रेड्डी जो है जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, ये काफ़ी फेमस फिल्म डायरेक्टर थे। तो आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली याया सो विल बी मेड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट ऑफ दिस स्टेट। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है, लद्दाख। तो याद रखें, इसको जाया तो सो भी पढ़ते हैं या तो सो पढ़ो, वो आप पे डिपेंड है आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। तो ये जो है फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट बनी है। तो आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी साइट जो होती है, लद्दाख की ये पहली बायोडाइवर्सिटी साइट बनी है। तो अब आप कमेंट के अंदर लिखें कि इंडिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी साइट्स हैं वो टोटल बायोडाइवर्सिटी साइट्स वो कितनी है। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली इन विच सिटी द मीटिंग ऑफ G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप हैज बीन ऑर्गेनाइज। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए है, जोधपुर। तो रिसेंटली आपको पता है कि G20 एम्प्लॉयमेंट मीटिंग जो है वो जोधपुर के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज की गई। अगर हम G20 मीटिंग की बात करें तो इसको प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो शुरू किया गया था। अभी इसकी कुछ मीटिंग जो है अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो इसकी जो जोधपुर के अंदर जो मीटिंग है वो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है। तो आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट विल एड्रेस द 73rd एनिवर्सरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आपको पता है कि रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 73 ईयर जो है वो कंप्लीट हो गए। तो इस 73 ईयर्स ऑफ की एनिवर्सरी को जो है सेलिब्रेट करने के लिए हमें सिंगापुर के चीफ जस्टिस ऑफ सिंगापुर को जो है वो इनवाइट किया था इंडिया के अंदर। और इस मीटिंग के अंदर जो है सिंगापुर के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो है जो कानून है इसके बारे में जो है काफ़ी अच्छी स्पीच दी, वो आप
यूट्यूब के ऊपर भी जो है सर्च कर सकते हो कि 73rd एनिवर्सरी के ऊपर जो है सिंगापुर के जो चीफ जस्टिस आए थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा लॉ एंड ऑर्डर के तहत। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली चेंज द नेम ऑफ इस्लाम नगर विलेज टू जगदीशपुर। तो याद रखें मध्य प्रदेश के द्वारा जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है जिसके अंदर इस्लाम नगर विलेज का नाम जो है वो चेंज किया गया और जगदीशपुर जो है वो इसका नाम रखा गया। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो शिवराज सिंह चौहान है, और अगर हम मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करेंगे तो भोपाल इसकी कैपिटल है। और इसके अलावा याद रखें जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, अगर हम किसी स्टेट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर ही आता है। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी जो है मध्य प्रदेश के अंदर ही जो है मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, विच सिटी विल होस्ट द ग्लोबल एनर्जी समिट। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के अंदर जो है ग्लोबल एनर्जी समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो याद रखें बेंगलुरु के अंदर जो है ये समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाए, और मेन बात जो है वो ग्लोबल एनर्जी समिट जो है होस्ट कर रहा है बेंगलुरु, कर्नाटका की कैपिटल जो है बेंगलुरु, वहाँ पे जो है ये होस्ट किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, इन विच स्टेट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ टूरिज्म वर्किंग ग्रुप विल बी ऑर्गेनाइज हेल्ड रिसेंटली। तो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो गुजरात के अंदर जो वो होने जा रही है। गुजरात की अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो गांधीनगर इसकी कैपिटल है। अब आप कमेंट के अंदर लिखें इसके चीफ मिनिस्टर कौन है। तो कमेंट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो आप चीज़ लिखोगे तो वो आपको याद रहेगी, उसको भूलने के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। अगर आपको नहीं आता है ज़रूर गूगल के अंदर जो है एक बार सर्च करें, चाहे आप कमेंट के अंदर लिखें या ना लिखें वो ज़रूरी नहीं है। मेन जो बात है वो ये है कि आपका नॉलेज जो है किस चीज़ से इंक्रीज हो जाए, मैं उन चीज़ों को जो है बताता हूँ आपको सर्च करने के लिए। इसलिए जो है ज़रूर एक बार जो है गुजरात के चीफ मिनिस्टर की बात करें कि चीफ मिनिस्टर कौन है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर जो है मैक्सिमम इस चीज़ को जो है पूछा जाता है कि चीफ मिनिस्टर कौन से स्टेट के कौन है, इतना तो आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, Who has won the men's single title Australian Open 2023 recently? तो याद रखें Australian Open 2023 जो है recently खेला गया, तो men's single title जो है वो नोवाक जोकोविक के द्वारा जो है वो जीता गया। अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो 5-6 दिन पहले जो है French Open 2023 भी जो है वो खेला गया था, तो उसके अंदर जो है राफेल नडाल ने जो है वो इस टाइटल को जो अपने नाम किया था। तो इतना जो है थोड़ा सा मैं पिछला भी आपको बता देता हूँ तो वो जो है याद रहे। अब आप कमेंट के अंदर लिखें, तो ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन जो है 2022 के अंदर जो है वो किसने जीता था वो आप कमेंट के अंदर लिखें। रिसेंटली स्वास्थ्य गर्भ ऐप फॉर प्रेग्नेंट वुमेन हैज बीन डेवलप्ड बाय एम्स एंड विच आईआईटी। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, आईआईटी रुड़की। तो आईआईटी रुड़की और एम्स ने जो है मिल के एक ऐप बनाया है जिसका नाम जो है स्वास्थ्य गर्भ ऐप। तो ये जो ऐप है ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए जो है वो डेवलप किया गया है। अगर हम इस ऐप की बात करेंगे तो ये जो, क्योंकि आपको पता है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स जो है कभी भी जो है हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनकी फैसिलिटी जो है उनको चाहे उनके हेल्थ के रिलेटेड है उन सब चीज़ों का जो है वो इस स्वास्थ्य गर्भ ऐप से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब उनके न्यूट्रिशन में क्या होना चाहिए, क्या खाना है उन्होंने, वो सारा जो है इस ऐप के अंदर जो है वो बताया होता है कि कौन सा इस चीज़ को किस तरीके से जो है हैंडल करनी है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन जो है, वेयर है द 36th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला स्टार्टेड रिसेंटली। तो ये इसका सही आंसर जो ऑप्शन डी है, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद यूपी के अंदर जो है 36th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है वो रिसेंटली स्टार्ट किया गया था। तो इसके अलावा आपको याद होगा कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो है रिवाइव किया था क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट को। तो वो याद रखें राजस्थान के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था एक इनिशिएटिव जिसके अंदर जो है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को जो है वो रिवाइव किया गया था राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर जो है ख़त्म होते हैं। मेरी थोड़ी सी सेहत ख़राब है, तो उम्मीद है कि आप जो है वीडियो पसंद कर रहे हैं। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज़ को जो है लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ज़रूर बताया करें कि वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जो है ज़रूर करके रखें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलती रहे। इतनी मैं श्योरिटी आपको दूंगा कि मेरे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं इनमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अंदर जो है देखने को मिलेंगे। ऐसे तो है कि 100% ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जो है पेपर बना तो उस वक्त जो है 5 क्वेश्चन तो मेरे डेफिनेट आएंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।